टेंथ एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम प्रश्नावली 6.1 को हम सॉल्व करते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुजों की समरूपता। तो देखिए हेडिंग क्या है, त्रिभुजों की त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने देखा था कि अगर कुछ कोई आकृति है, ठीक है, तो उनकी समरूपता हम कैसे पहचानेंगे। तो नंबर वन पॉइंट क्या था कि उनके संगत कोण बराबर हों। तो ऐसी त्रिभुजों में हम क्या कह सकते हैं कि यदि त्रिभुजों की के जो संगत कोण है, अगर वो उनका मान बराबर है, ठीक है। और नंबर टू पॉइंट क्या है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब वह जो हो वो समानुपाती हो, उनकी भुजाएं क्या हो, समानुपाती। तो इसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जो इस चैप्टर की पहली वीडियो थी उसमें मैं आपको अच्छे से बता दिया था, ठीक है। अब यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं समान कोणिक त्रिभुज। और जो समान कोणिक त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो सदैव समान होता है। जैसे देखिए दो त्रिभुज हैं, ठीक, हमें देखना है कि ये समरूप हैं कि नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे कि इनके संगत कोण बराबर हैं कि नहीं। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है कि नहीं, ठीक। अगर इनके संगत कोण बराबर हैं, ठीक, तो जरूरी नहीं है कि हम दूसरा वाले पॉइंट भी देखें कि इनकी भुजाओं का अनुपात, ठीक है, सदैव समान होता है कि नहीं है। हमें ज़रूरत नहीं है निकालने की, क्योंकि जो संगत कोण वाले त्रिभुज होते हैं, मतलब समान कोणिक त्रिभुज होते हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ऐसे ही देखिए ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक। देखिए संगत कोण बराबर हैं। अब जैसे ये दो है तो ये भी दो होगा, ये भी दो होगा, लंबाई बराबर होती है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की, ठीक है। ये जैसे चार है, ये भी चार है, ये भी चार है, तो 2/4 = 2/4 = 2/4 ये हमने अनुपात निकाला है। तो 1/2 = 1/2 = 1/2 होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर दो त्रिभुज हैं, ठीक है, उनके संगत कोण बराबर हैं तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो भी बराबर होगा, लेकिन ये त्रिभुजों के लिए ही कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक। अब देखिए हम एक प्रमेय देख लेते हैं। देखिए प्रमेय हमारी 6.1 हमसे क्या कह रही है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ऐसी रेखा खींची जाए, ठीक है, तो ये अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, पहले हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी, ठीक। अब क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, ठीक, मान लिया हमने ये वाली भुजा ले ली बी सी भुजा, इसके समांतर देखिए ये ये हमने एक भुजा, यहाँ ये वाली जो भुजा है बी सी के समांतर, इसके समांतर एक हमने एक और रेखा खींच ली। जो इसकी इस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ठीक है। हमने मान लिया कि ये जो रेखा है वो क्या है, ए बी को डी पे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ए सी को ई पर, ठीक।
दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ऐसी रेखा खींची जाए, खींच ली हमने, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो ये दो अन्य भुजाएं जो हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, मतलब क्या है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ई सी। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। कभी भी प्रमेय को हम सॉल्व करते हैं तो हम पहले उपपत्ति डालते हैं हेडिंग, फिर हम ये लिखते हैं कि हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया ए बी सी। ठीक है, फिर हमने ले ली एक भुजा, कौन सी, बी सी, इसके समांतर एक और भुजा हमने खींची, रेखा हमने खींची डी, जो ए बी को डी पर, डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। फिर हम क्या लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले कि पहले इस डायग्राम में देखिए हम क्या करेंगे कि बी और ई को मिला देंगे। ठीक है, एक डॉटेड लाइन खींच के, और ऐसे ही हम डी और सी को भी मिला देंगे, मिला दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे कि ई से ए बी पर, ए बी पर एक लंब खींचेंगे, तो लंब देखिए कुछ ऐसा आएगा। ठीक, इसको हम डॉटेड कर देंगे। ठीक है, और डी से हम ए सी पर एक लंब खींचेंगे। ठीक, तो यहाँ काटेगा ये। और इन दोनों बिंदुओं को हम लिख देते हैं एन और एम। बस बस हमें डायग्राम में इतना ही करना था। ठीक है, अब